आजकल बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। आज मैं मंजू एंजल अगस्त्या हॉस्पिटल के रिसेप्शन से आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जानकारी देना चाहती हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आपको मदर आईडी, फादर आईडी, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। आप जब भी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आएँ, कृपया ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, वरना इनके बिना आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। जैसे ही आप हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम हॉस्पिटल से सिटीजन पोर्टल पर जाकर ये सारा फॉर्म फिल करेंगे। जैसे ही हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर रजिस्टर नंबर आ जाएगा। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को ले जाकर किसी भी साइबर कैफे या फिर अपने सिस्टम पर ही अपने बच्चे का घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपको इस में कोई भी चेंज करना हो तो आप साइबर कैफे पर अपने रजिस्टर नंबर के साथ जाएं, उस पर सिटीजन पोर्टल खोलकर आप अपने नंबर से ओटीपी शेयर करके उस पे अपना बच्चे का नाम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा फिर से बताना चाहती हूँ कि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसके बिना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा।